स्टूडेंट सिट प्रॉपरली क्लास 6। चलिए सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। एवरीबडी चलिए नाउ टेल मी, डू नो हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द स्मॉल रॉड, लेंथ ऑफ द यू नो ज्योमेट्री बॉक्स? सबको पता चल गया, यस और नो? Yes. राइट, सो टेल मी, हु विल टेल मी? यस, अक्षिता। अक्षिता इज देयर? अर्शिया, आई एम सॉरी, नॉट अक्षिता, अर्शिया 6A। अर्शिया कम नेम आए। प्लीज टेल मी विच यूनिट वी कैन यूज इफ वी वॉन्ट टू मेजर द यू नो साइज ऑफ ए ग्रेन, चावल के दाने का साइज पता करना है। विच यूनिट वी शुड यूज? अर्शिया मिलीमीटर। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। देन देयर कम्स कृति। कृति इज देयर? 6A। कृति टेल मी इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द साइज ऑफ योर हैंड, आपने एक ये मिडल फिंगर से ये पाम का हाथ ये आपने जो है ये मेजर करना है, व्हाट इज द यूनिट? सोचो जरा कौन सा यूनिट हम जरूरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर? सेंटीमीटर। वेरी गुड कृतिका, बैठो बेटा। वेरी गुड, देन नेक्स्ट आ जाइए बेटा। देयर शुड बी नैतिक। 6A नैतिक। बेटा यू हैव योर आई कार्ड, राइट? यू हैव योर आई कार्ड, ऊपर करो जरा इसको, थोड़ा सा और ऊपर करो, अपने फेस के पास को लेके आओ, सो दैट आई कैन सी। यस, वेरी गुड। यू वॉन्ट टू मेजर इट्स लेंथ एज वेल एज ब्रेथ, इन विच यूनिट्स यू विल मेजर इट? इज इट मिलीमीटर, सेंटीमीटर? यू नो ये जो आपका स्केल है ना, स्केल है ना, इस पे ये क्या है? ये सेंटीमीटर है। मिलीमीटर इसके बीच में जो लाइनें हैं, राइट, जो छोटी छोटी लाइंस है, दैट इज मिलीमीटर, राइट? नाउ टेल मी, और ये बड़ा जो है, बड़े जो है, दैट इज स्केल, और इसमें क्या है? सेंटीमीटर। नाउ टेल मी कि अगर आपने आई कार्ड का यू नो पेरीमीटर, या अभी पेरीमीटर चलिए छोड़िए, लेंथ ऑफ द यू नो आई कार्ड, इन विच यूनिट यू विल मेजर इट? सेंटीमीटर। वेरी गुड, सेंटीमीटर। वेरी गुड, बैठिए बेटा। सो नाउ यू नो है ना कि भाई हम कौन से डिस्टेंसेस जो है। यस, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, देन 6B। 6B देन कम्स अर्पित। अर्पित 6B। अर्पित, इफ समबडी आस्क यू टू यू नो, आपने जो एक चार्ट पेपर है उसके ऊपर जो है आपने क्या लगाना है, दैट इज बिग चार्ट पेपर, राइट? बिग चार्ट पेपर है और उसके ऊपर आपने लेस लगानी है, इन विच यूनिट यू विल मेजर द चार्ट पेपर एंड ब्रिंग द लेस? क्या कहोगे, हमें इतनी सेंटीमीटर लेस दे दो, क्योंकि हमने वो पूरे चार्ट पे कवर करना है, इतनी मीटर लेस दे दो? मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर इज यू नो, लेट मी टेल यू, इधर देखो, अगर मिलीमीटर में मेजर करना है, इफ यू कैन सी इट, थोड़ा सा आप देख रहे हो ये छोटे वाला बीड, कैन यू सी इट? यस और नो? अगर मेजर करना है ना तो ये मिलीमीटर है, राइट? इफ यू वॉन्ट टू कवर द चार्ट पेपर विद अ लेस, एक लेस अच्छी सी, आपको पता है लेस क्या होती है, उस लेस से आपने कवर करना है, ठीक है? एंड यू गो टू ए शॉप, ठीक है, और उसको कहते हो कि मुझे लेस चाहिए, राइट? लेट अस सी कि इस बोर्ड को आपने, राइट, इस बोर्ड को आपने, चार्ट पेपर छोड़िए, इस बोर्ड को आपने लेस से कवर करना है, देयर इज दिवाली एंड यू वॉन्ट टू डेकोरेट द यू नो क्लासरूम, तो इस बोर्ड को आपने लेस से कवर करना है। यू गो टू मार्केट, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बेटा हम कैसे देखो, अब ना कितना देखो, अगर हम बात करेंगे कि इसको इसको ऐसे करके सेंटीमीटर से करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब हम इजी वे में, आप कपड़ा लेने जाते हो
किसमें मेजर? आपकी शर्ट कितने मीटर में है या सेंटीमीटर में या किलोमीटर किसमें बनती है? मम्मा क्या कहती है? इतने मीटर दे दो, इतने सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, हमने अपने बेटे की शर्ट बनानी है। बट यू विल से 10 मीटर। मीटर, 10 मीटर तो नहीं, आई थिंक 1.5 मीटर में आपकी शर्ट बन जाती है, राइट? सो वी टेक क्लोथ इन मीटर्स, राइट? ठीक है, हम क्या उसके दुकानों में देखा है ना आपने, मीटर उसके पास होता है जिससे वो मेजर करते हैं कपड़ा, यस और नो? देखा है कि नहीं? है ना, वो उनके पास एक स्केल होता है जो जिससे वो मेजर करते हैं फटाफट, दैट इज मीटर। सो क्लोथ, लेस, छोटी सी लेस लेनी हो तो सेंटीमीटर, बट अगर बड़ा लेना हो, इस सारे को कवर करना हो, देन इट इज मीटर। पता नहीं कि सेंटीमीटर में नहीं, बट कितने सेंटीमीटर कैसे नापेगा वो, राइट? तो लेस, क्लोथ, यू विल टेक इट मीटर्स, ओके? ठीक है, अब मुझे नैतिक एक और बता दो। टेल मी कि इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली, राइट, फ्रॉम योर स्कूल और फ्रॉम योर होम यू वांट टू गो टू दिल्ली, एंड वी विल आस्क यू हाउ मच डिस्टेंस यू हैव मेजर्ड, सो यू विल से एक्स मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा, बैठो, नाउ चलिए। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मेजरमेंट्स में ही। लो यू कैन सी हियर, लेट्स सी, दीज आर द, अब देखिए हम, लेट्स से ये बीड्स है ना, ये तो चलो छोटे बड़े है, ये जो बड़े वाले बीड्स है ना, इनका हमने डायामीटर, डायामीटर यू नो, एवरीबडी नोज डायामीटर, सीधे होके बैठो, सीधे होके, है ना, सिट स्ट्रेट, अपनी बैक जो है ना ऐसे लीनिंग नहीं, हमको लीनिंग टावर थोड़ी है, सिट स्ट्रेट सो दैट एवरीथिंग यू नो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन योर माइंड। दीज आर बिग बीड्स, लेट अस फाइंड द डायामीटर ऑफ द बिग बीड। अगर हम इसको सिक्स है, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, तो इसका डायामीटर, डायामीटर हम कैसे स्केल से, हाउ विल यू फाइंड इट्स डायामीटर? अगर हम इसका डायामीटर ऐसे करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा बेटा स्केल से, नहीं क्योंकि राउंड है ना, तो स्केल से डायमीटर, डायमीटर तो सीधा है, राइट? तो हमें स्केल से एज सच डायमीटर एक बीड का नहीं पता चलता। तो व्हाट वी विल डू, हम बहुत सारे बीड्स इकट्ठे लेते हैं, राइट? एंड यू कैन सी हियर, देखो हमने यहाँ पे बीड्स लिए, ध्यान से समझना है और उसके बाद क्वेश्चन भी करनी है, राइट? सो व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर ये डायमीटर, हम धागे से स्केल से इसको लेना मुश्किल है क्योंकि स्केल भी फिसल जाता है, ऐसे कैसे लेंगे डायमीटर, धागा कभी ऊपर कभी नीचे। तो हमने क्या किया, वी टेक मेनी बीड्स, यहाँ पे कितने बीड्स है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि एक का एग्जैक्ट नहीं आता, तो हमने कई सारे बीड्स लिए और उसका हमने क्या देखा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 4 सेंटीमीटर, और एंडिंग पॉइंट क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो बीच में कितने सेंटीमीटर आ गए, इधर ध्यान से, इधर एवरीबडी हियर, क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, इस चैप्टर में से। इफ आई विल मेक द पेपर, आई विल गिव एमसीक्यू फ्रॉम टाइप्स ऑफ मोशन जो इजी है, बट आई विल गिव 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल्स मीन्स जहां पे मैथमेटिकल पार्ट आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये देख लो, ठीक है? एंड जो भी टीचर बनाएगा, आई विल टेल देम कि मैंने ये न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से बच्चों को कराया है, इसमें से पेपर जरूर डालो, राइट? तो और आपके बुक्स में इतना न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली, इट ओके, राइट? तो ये कितना डिस्टेंस हो गया बेटा, 12 माइनस 4
is equal to 8 centimeter. Yes. What is this 8 centimeter? If you see it, it is 1, 2, 3, 4 balls ka diameter kitna hai? 8 centimeter. Diameter. Of four balls is 8 centimeter. ये आपकी वर्कशीट में भी क्वेश्चन है, वहां पे बाद में करना, बट पहले समझो. तो फोर बॉल्स का 8 सेंटीमीटर है. फाइंड आउट डायामीटर ऑफ वन बॉल. टेल मी क्विकली, आपने जिससे मैं पूछूंगी वही, बट फाइंड आउट डायामीटर ऑफ फोर बॉल्स. अपनी कॉपी में लिखो diameter of four balls is 8 centimeter. ये क्वेश्चन नंबर 11 है M1 में. लिख लो अपने जहां पे कॉपी है ना वहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 11 M1 असाइनमेंट. Now you have to find out diameter of one ball. This is, you know, simple sa unitary method hai. Koi zyada to isme humne karna nahi. Hanji 6C. Chahat. 6C Chahat. Yes, come. Tell me, क्या निकाला आपने? एक बॉल का क्या निकालेंगे? हाँ, ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि 12 की इतनी प्राइस है, 1 की कितनी प्राइस होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? डायामीटर 4 बॉल्स का 8 है, तो 1 का कम कि ज्यादा? आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे फिंगर से बता दो, लेस और मोर? मैम जरा माइक चेक करेंगे प्लीज इनका. चलो मुझे फिंगर से बताओ, मुझे आवाज तो नहीं आ रही. इज इट लेस कि मोर? इट इज लेस. ओके, सो व्हाट वी विल डू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन की डिवीजन. व्हाट यू विल डू, दोबारा से देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन की डिवीजन. इट इज डिवीजन. ठीक है, बिल्कुल ठीक. बैठो बेटा, आंसर क्या आएगा? दोबारा से इधर देख, इधर देख चाहत, दोबारा से, वन मोर थे. आंसर क्या आएगा? इज इट 2, 4, 6 की 8? 2, 4, 6 की 8? 8, 8 तो बेटा पहले ही है. आंसर क्या आएगा? वन बॉल का डायमीटर 2, 4, 6 की 8. इट इज 2. किसी ने बताया कि खुद किया? ठीक है, खुद करना है. ठीक है, तो इधर देखिए, डायमीटर ऑफ फोर बॉल्स 8. वेरी गुड चाहत, बैठो बेटा. एंड डायमीटर ऑफ वन बॉल 8 / 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. राइट, चलिए. एवरीबडी डन, रेज योर हैंड्स. वेरी गुड, वेरी गुड. बी एक्टिव, बैक स्ट्रेट, नीचे को नहीं झुकना. 6E फर्स्ट बेंड, बॉय बेटा सीधे होके, है ना, आईज और वीक हो जाएगी इतनी ज्यादा झुकेंगे तो. नेक्स्ट, नाउ अब यहां पे जो मैं आपको बताने लगी हूं पहले वो देखो, बाकी आपने खुद करना है. राइट, दिस इज इंच, बट हमने किसमें मेजर करना है? सेंटीमीटर में. वी हैव टू मेजर इन सेंटीमीटर. एंड यू कैन सी
इन सब की डायामीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर. आई एम गिविंग यू हिंट. एक का यहाँ पे कितनी बॉल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 बॉल्स. ये देखो, ये आपको डायामीटर दिख रहा है. डायामीटर ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू कितना है? आई हैव गिवन यू. देखिए यहाँ पे दिस इज, यू कैन, सिर्फ यहाँ पे नंबर नहीं भी दिया हुआ, बट यू कैन सी हियर 2 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ 6 बॉल्स 2 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ 1 बॉल. निकालो जरा. और यहाँ पे देख रहे हो 8 बॉल्स है, यहाँ पे 11 बॉल्स है. फाइंड आउट जल्दी से, क्विकली. स्केल पढ़ो, स्केल देखो अपना. फटाफट फटाफट क्विक. जाएगा माइक के पास और मुझे फर्स्ट का आंसर बताएगा. थ्री सिक्स. हाँ जी बेटा, क्या आ जाएगा आंसर? थ्री. बेटा क्या, किसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? टू. कैसे बेटा, कैसे? डायामीटर. अगर देखो हमने क्या निकालना, पहले तो बेटा मैथ्स का क्लियर करो. जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखना है. हमने डायामीटर निकालना है. अगर 6/2 अगर आप करते हो, लेट्स सी, 6/2 कर दिया, ये तो बॉल्स हो गई, ये डायामीटर है, तो ये तो गलत हो गया. हमने तो डायामीटर निकालना, डायामीटर ऑफ 1 बॉल, तो किसको ऊपर रखेंगे बेटा बताओ? टू को ऊपर रखेंगे. टू डिवाइडेड बाय आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 सेंटीमीटर. हमने नहीं आगे कैलकुलेट करना, इट इज 1/3 सेंटीमीटर. ओके ठीक है जी, बैठिए. 6C में से, 6C में से आ जाइए बेटा. हरगोपाल से हमने कल भी पूछा था, एक बार दोबारा. हरगोपाल जल्दी से कम फॉरवर्ड. आई होप आपकी मैम की आवाज आ रही थी, आपकी भी आएगी. बोलो जरा. फिर नहीं आ रही, क्या बात है? आप आगे आके माइक, मतलब स्क्रीन के पास आके बोलो, शायद वहां पर आए जहां पे आपकी मैम है. मैम जरा देखना स्क्रीन के पास जरा. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ मैम की तो आ रही है बेटा, आपकी नहीं आ रही. हाँ जोर से बोलो. यहाँ बताइए इसका 1 बॉल का डायामीटर जल्दी से.
हरगोपाल पहले मुझे बताओ 8 का डायामीटर कितना है, 8 बॉल्स है यहाँ पर, कितना है बेटा ये दिखा दो, ये लिखा दो, ये 8 बॉल्स इतना डायामीटर है, कितना है ये, टेल मी जोर से, 8 इतना लिखा है तुम्हारे सामने तो है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 8 बॉल्स का डायामीटर, ये पूरा इस तरह से लिखना है आपने, डायामीटर ऑफ 8 बॉल्स 2 सेंटीमीटर, हमने कितने का निकालना है बेटा, ऑफ 1 बॉल, यस टेल मी किसको किससे क्या करेंगे, हरगोपाल जोर से डिवाइड, डिवाइड किसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, किसी से पूछना नहीं, आप अपना सीधा देख के, 2/8, 2/8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, सो 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है बैठो बेटे, बैठो हरगोपाल, त्रिशा एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी, मैम, बट इफ वी राइट इन लाइक नॉर्मली लाइक 4 सेंटीमीटर इट विल बी राइट ऑल्सो, 4 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है बेटा, 8 बॉल्स का तो 2 सेंटीमीटर है, 1 बॉल का कम होगा कि ज्यादा होगा ओके मैम आई अंडरस्टैंड नाउ। ना, हाँ फिर तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा, 1/4 या 4, 1/4 मीन्स आप पिज्जा लेते हो ना बेटा, पिज्जा में 4 स्लाइसेस होते हैं, यस और नो, उसका अगर एक स्लाइस खाते हो दैट इज 1/4, इज इट ओके, ठीक है जी, 100 का 25 इज 1/4, ठीक है चलिए, सो 1/4 इज नॉट सेम एज 4, ठीक है, 1/4 एक का चौथा हिस्सा, एक पिज्जा का एक स्लाइस दैट इज 1/4, नाउ लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, यस हु विल टेल मी, इट इज एकम, सिक्स्थ डी, सिक्स्थ डी एकम, हां जी एकम टेल मी, मुझे बताइए ये 11 बॉल्स है, डायामीटर ऑफ 11 बॉल्स कितना है बेटा, एकम ये कितना है, जोर से बोलो, हाँ बाकी नहीं, सिर्फ एकम बोलेगा, 6D, बेटे जिसके पास माइक है जरा हेलो तो करो मुझे, 6D सारे नजर नहीं आ रहे हैं, से हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग बोलो जोर से, हाँ जोर से बोलो बेटा, मैंने तो अपनी वॉल्यूम भी सारी बढ़ा दी बेटा, अब तो बोलो, 11 to 2 इट इज 11 बॉल्स का है 2 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताइए बेटा डायामीटर ऑफ 1 बॉल मैम 5 सेंटीमीटर कैसे बेटा, कैसे 5 सेंटीमीटर कैसे बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये तो बेटा मैथ्स के क्वेश्चंस है कि अगर 11 बॉल्स का 2 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं एक का निकालना है तो जो राइट में लिखा है उसको डिवाइड कर देना इधर से, क्या इधर, इज इट राइट, मैं क्या करेंगे क्या लिखेंगे, 6D एकम, जल्दी से जोर से बोलो, डिवीजन डिवीजन किसको किससे डिवाइड करेंगे, 11 मैं और 2
divided by 11. 7 सेंटीमीटर। फिर उल्टा करके मैटर ही है, इसको बना दिया। एवरीबडी डन, सबने कर लिया? किसका, जिसने नहीं किया रेज योर हैंड्स इफ यू हैव नॉट डन। ओके कर लो कर लो, डू इट। मैं फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुछ और देती हूँ फटाफट से। दीज आर द मैथमेटिक्स क्वेश्चन। बेटा जब बहुत सारी चीजें और एक का निकालना है, फर्स्ट थिंग। चलिए अभी हम पहले ये कर लो, फिर मैं बताऊँ। देखो नो बेटा, नो साउंड नो वॉइस, आराम से एकदम शांति से। लेट मी एक बेटा देखो, आपने क्या, पहले मेरी बात अब ध्यान से लिसन टू मी क्लियरली, ठीक है? बहुत ही ध्यान से। ऑल्दो दिस इज द मैथमेटिक्स पार्ट, बट थोड़ा सा हम, सो दैट यू शुड नॉट, यू नो, यू विल बी एबल टू डू न्यूमेरिकल पार्ट करेक्टली, तो ये ध्यान से समझना। वेन यू हैव टू फाइंड क्या आपने निकालना है, बहुत सारी चीजों का दिया है एंड यू हैव टू फाइंड फॉर वन। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस ₹60, प्राइस ऑफ वन ऑरेंज आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे को जो निकालना है, इधर देखो एवरीबडी हियर, सीधे होके समझना है, ये लिखने वाली बात नहीं है। यू हैव टू, कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, बट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू राइट ऑन द राइट साइड हियर, बट यू हैव टू फाइंड दैट इज प्राइस। सो राइट प्राइस हियर ऑन द राइट साइड एंड ऑरेंजेस ऑन लेफ्ट साइड। सो व्हाट इज गिवन, 6 ऑरेंजेस, प्राइस इज ₹60 एंड वन ऑरेंज, वेन यू हैव टू फाइंड फॉर वन इट विल बी लेस। सो ऑलवेज डिवाइड दिस वन 60 ओवर 6, इज लेस, लेस मीन्स डिवीजन। एंड यू, इफ यू हैव टू फाइंड टू ऑरेंजेस, देन व्हाट विल यू डू? वन का हमने निकाल लिया, दो का ज्यादा ही होगा, यस और नो? एवरीबडी स्पीक लाउडली, यस और नो? वन का हमने निकाला है, टू का उससे ज्यादा होगा, वन से ज्यादा होगा, तो वन इज 60 डिवाइडेड बाय 6 एंड देन क्योंकि दो का ज्यादा है, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। ओके ठीक है जी। नो, क्लोथ रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 शर्ट्स, लेट अस से 20 meters, how much, yeah, what is the length of cloth, what is the length of cloth
रिक्वायर्ड टू फॉर्म, ए है वन शर्ट एंड बी है फाइव शर्ट्स, निकालो बेटा, राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट क्विकली। हमेशा जो चीज निकालनी है हियर, यहाँ पे दो चीजें हैं, वन इज नंबर ऑफ शर्ट, सेकेंड इज क्लोथ, तो जो निकालना है वो राइट में लिखो। क्या निकालना है? दैट इज लेंथ ऑफ क्लोथ और दूसरी तरफ नंबर ऑफ शर्ट्स। ऑलवेज रिमेम्बर कि व्हाट यू हैव टू फाइंड राइट ऑन द राइट साइड, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसको तो अपनी जो राइट में लिखा है उसको अपनी जगह पे लिखना है, उसके साथ उसको किसी से डिवाइड करना है या उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो। सिक्स ई में से मेरे मुझे आंसर देना है हरनूर ने, सिक्स ई हरनूर, बट पहले कर लो, अगर नहीं किया तो कर लो एंड देन चल। वन शर्ट का आपने मुझे बताना। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, कम क्विकली। यस हरनूर, सिक्स थी हरनूर, आ जाओ बेटा। यस टेल मी। मैम 2 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ शर्ट्स इज 20 मीटर, सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, टेन एंड लेंथ इज 20 मीटर बेटा, सेंटीमीटर तो नहीं हम बात करेंगे। सो वन शर्ट, यस टेल मी, क्या किया हमने आंसर? हाँ मैम 2 मीटर। इट इज यस, 20 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 2 मीटर। एंड नाउ टेल मी फाइव शर्ट्स, क्विकली टेल मी, कोई नहीं बताएगा, ओनली हर नूर विल टेल। यस क्या करें हम इसको? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किसको करेंगे? मैम 2 मल्टीप्लाई। Yes, 2 multiplied by 5, it will be 10 meter. Very good, very good. Go to your seat. Very good. Is it okay? मैम यस चलिए आगे। यस नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है। बनाओ जरा एवरीबडी। मैम मैम कैन डायमीटर कैन बी इन डेसिमल्स आल्सो? यस यू कैन फाइंड, मैंने फ्रैक्शंस में लिखा था, आप डेसिमल्स में कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है बेटा। सो हाउ मेनी बीट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द डायमीटर
इज स्केल है, कुछ भी आ सकता है. लेट अस से इट इज 5.7 सेंटीमीटर. सो ये स्केल है 5.7 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक. फाइंड द डायमीटर ऑफ वन बीड. बीड मतलब मोती. यहां पे लिख लेना डायमीटर ऑफ 10 बीड्स इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर. तो अब आपने लिखना है, देखो बीड्स डायमीटर. अब मुझे ये बताना है राइट साइड में आपने क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखना है. अगर आप ये लिख लेंगे इट विल बी ओके. राइट. वरिंदर से हमने कल भी पूछा था, सेवंथ ई वरिंदर, सॉरी सिक्स्थ ई वरिंदर. आ जाओ बेटा, सिक्स्थ ई वरिंदर आ जाओ. पहले तो मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि हमने राइट साइड में क्या लिखना है, नंबर ऑफ बीड्स की डायमीटर क्या निकालना, क्या है हमने इसमें. बट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बीड्स की डायमीटर. डायमीटर डायमीटर. सो यू हैव टू राइट डायमीटर ऑन द राइट साइड एंड नंबर ऑफ बीड्स ऑन द लेफ्ट साइड. यस टेल मी क्या गिवन है यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम. नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं बेटा, नंबर 5.7 सेंटीमीटर ऑफ बीड्स कितने हैं. मैम 10 बीट्स एंड व्हाट इज द डायमीटर. मैम 5.7 सेंटीमीटर वेरी गुड. और हमने कितने का निकालना है, 1 का निकालना है. क्या करें अब हम, कम होगा कि ज्यादा होगा. 1 का डायमीटर 5 कम मैम होगा. नाउ अब बताओ हम क्या करें, लेट डिवाइड करें. किसको किससे डिवाइड करें, 5.7 5.7 को किससे डिवाइड कर लेंगे बेटा. 10 से एन से. वेरी गुड. नाउ टेल मी वन मोर थिंग वरिंदर, इफ यू वांट टू आस्क, आई वांट टू आस्क, 7 बीड्स का डायमीटर. ये तो 1 का निकल आया, 7 का कम होगा कि ज्यादा होगा. ज्यादा ज्यादा. बट वी विल डू मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1 का हमें पता है. क्या करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. वेरी गुड. 5.7 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज अ 1 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 7 सेंटीमीटर. आप थोड़ा कैलकुलेट कर सकते ठीक है. यू अंडरस्टैंड. चलिए यस बैठो बेटा. वेरी गुड. विल यू कैलकुलेट इट. कैलकुलेट आप करना जरा. आई होप और आपने सिक्स्थ में भी डेसिमल किया है, नीचे 10 आ जाए तो डेसिमल इधर आ जाता है. यू नो दैट है ना. मैं इसमें ज्यादा मैथ्स में और नहीं जाऊंगी. यूनिटरी मेथड आई वांट टू 3.99 सेंटीमीटर जो है दैट इज ऑफ 7 बीट्स. 7 बीट्स का 3.99 सेंटीमीटर. 1 का नहीं, 7. नो. अब हम, इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है ये. इंपॉर्टेंट लिखो क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर हम देखें, वन मोर, दीज आर द पेपर्स और ये कितने पेपर्स है, दैट इज 70 पेपर्स है ये. एंड वी वॉन्ट टू यू नो मेजर द थिकनेस ऑफ वन पेपर. राइट. स्केल से एक पेपर का तो मेजर किया नहीं जा सकता, तो क्या करें. हमने क्या किया बेटा,
हमने ये स्केल लिया और हमने इसको इधर रखा, राइट? हमने 70 का जो है, अगर यहाँ पे आपको दिखेगा तो नहीं, बट आपको तरीका पता चल जाएगा। 70 का जो है, दैट इज, इट इज 0.5 सेंटीमीटर। लिखो जरा, थिकनेस ऑफ 70 पेपर्स। पता चल गया आपको कैसे किया हमने? मैं आपको यहां भी दिखाती हूं। थिकनेस ऑफ 70 पेपर्स इट इज, ठीक है, ये पूरे थिक है ना? तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल रख दिया, इधर स्केल रखा, और ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी है स्केल इस तरह से देख। तो हमारे पास आ गया बंच ऑफ 70 पेपर्स। इसकी थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड 1 पेपर की थिकनेस। फाइंड आउट जल्दी से। फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ 1 पेपर। सिक्स F, तनवीर ने बताना है। तनवीर कम, 6E में ही है तनवीर तो। 6E तनवीर, यस तनवीर, कम फॉरवर्ड। हाँ जी, क्या करें बेटा हम इस? आपके सामने ही दिया हुआ है 70 पेपर्स की थिकनेस इतनी, या 1 पेपर की थिकनेस आपने बतानी है। ऑन करो पहले, किसी की तरफ नहीं देखना। हाँ अब बोलो, डिवाइड इसको डिवाइड किससे करना है, इंपॉर्टेंट तो ये है। बताइए, क्या हमने 70 को 0.5 से करेंगे, 0.5 को 70 से करें? सेवेंटी को 0.5 से। बेटा जो राइट है ना, उसको यहीं पे ही लिखना है, उसको नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है? तो 0.5, अगर आप, आपने कहा 70 को 0.5 से डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट हटाओगे, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 4 20, ये तो इतना आ जाएगा। क्या एक नहीं, पेपर की थिकनेस इतनी हो सकती है, 140 सेंटीमीटर? नहीं ना, ये तो बहुत है नो ना। और ये 70 क्या लिया है, ये तो पेपर्स है, थिकनेस नीचे है, तो ये तो काम नहीं बनेगा। हमने तो थिकनेस निकालनी है, थिकनेस तो जो निकालनी है वो ऊपर रहेगा। अब बताओ हम किसको किससे डिवाइड करेंगे? बोलो, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 डिवाइडेड बाय 70, एक पेपर की थिकनेस इतनी है, सॉरी 70 की थिकनेस इतनी है, एक पेपर की थिकनेस इतनी हो जाएगी। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आई? जो राइट में है उसको ऊपर ही लिखना है, जो लेफ्ट में है ये, अगर एक की निकालनी है तो उसको डिवाइड कर। अच्छा आप मुझे जल्दी से बता दें, 5 पेपर्स की, जल्दी से क्या करें, एक से ज्यादा होगी कि एक से कम होगी? एक से
इट बी मोर देन वन, विल इट बी लेस? मोर देन वन. नो बेटा, सिक्स एफ नहीं बोलेंगे, सिक्स ई में बच्चा खड़ा है वही बताएगा. विल इट बी मोर और लेस? मोर. मोर. सो फॉर मोर व्हाट वी विल डू? डिवाइड और मल्टीप्लाई? यस, बट वी विल डू डिवाइड और मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई, सो वन का, जो वन का है ध्यान से इधर देखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इतने. आगे आप कैलकुलेट खुद करेंगे. इज इट ओके? बैठो, एक और क्वेश्चन मैं दूंगी फिर पूछोगी. गो टू योर सीट. ध्यान से सुनना है दोबारा से, है ना? डर जाते हो कई बार माइक के पास आके, नो प्रॉब्लम. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. इन ए बुक देयर आर 100 pages. इन ए बुक, एवरीबडी राइट डाउन. द थिकनेस, आप ये सोचो कि ये बुक है आपकी जिसमें 100 pages है. द थिकनेस हमने देखी, कितनी मोटी किताब है. थिकनेस ऑफ बुक 10 cm. थिकनेस ऑफ बुक मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि थिकनेस ऑफ 100 pages थिकनेस ऑफ बुक मीन्स बुक हैज 100 pages. सो थिकनेस ऑफ 100 pages इज 10 cm. फाइंड द थिकनेस ऑफ वन पेज. फाइंड द थिकनेस ऑफ हाफ ऑफ द बुक. जल्दी से देखिए कौन करता है. देन बेटा सिक्स्थ एफ युवराज. सिक्स्थ एफ युवराज. दो युवराज एक्चुअली है. यू आर टू युवराज. आई नो 35 रोल नंबर आई थिंक युवराज. देन ही इज एब्सेंट.
मैम ही इज एब्सेंट। जाइए युवराज खेपर, आ जाइए आप, आ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ, वेरी गुड। नाउ टेल मी, पहले तो अगेन हम उसी पे ही आते हैं कि आपने राइट में क्या लिखना है, थिकनेस लिखनी है कि पेजेस लिखने हैं, क्या निकालना है आपने, पेजेस आपने क्या निकालना है। बट यू हैव टू फाइंड आउट थिकनेस ऑफ पेजेस और यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पेजेस, टेल मी। मैम थिकनेस तो बट यू हैव टू राइट ऑन द राइट साइड, जो आपने निकालना है, क्या निकालना है, थिकनेस, राइट। तो मैम ये आपने थिकनेस लिखी एंड द अदर पैरामीटर गिवन इज पेजेस। नाउ टेल मी क्या लिखें, कितने पेजेस की कितनी थिकनेस बताई गई है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मेनी पेजेस, मैम 7 कहां 7 कहां है। वेरी मैम 100 पेजेस की मैम 10 सेंटीमीटर बताई गई है। टेन गुड, 100 पेजेस की, सेंटी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ वन वन पेपर पेज। व्हाट वी विल डू हियर, मैम 0. आप मुझे बताइए, आप 0 पॉइंट पॉइंट में छोड़ दीजिए, यू हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई, किसको मैम डिवाइड किससे डिवाइड करना है, 10 को 100 से कि 10 से। बिल्कुल मैम 10 को ठीक है, मैम बिल्कुल डिवाइड करना ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 10 को 100 से, इसको इससे काट दो, 1/10 सेंटीमीटर, और आप क्या कह सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर, अगर आपको डेसिमल आता है तो। इज इट ओके, देन फाइंड फाइंड द थिकनेस ऑफ हाफ ऑफ द बुक, हाफ ऑफ द बुक में बेटा कितने पेजेस आ जाएंगे, 50 50 पेजेस आ जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड युवराज, तो 50 पेजेस की टेल मी 1 से ज्यादा होगी कि 1 से कम होगी बेटा, मैम 1 से ज्यादा होगी 1 से ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई की डिवाइड, मैम डिवाइड डिवाइड होते हैं पिज्जा को, एक में एक स्लाइस लेना, 4 में से 1, वो होते डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता है बढ़ाना, तो अगर एक से ज्यादा थिकनेस होगी तो क्या करेंगे, डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो 1 की है ये, तो 50 की कितनी होगी, 1/10 इंटू 50, यस और नो, यस इट विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है एवरीबॉडी डन, चलो बैठो युवराज, वेरी गुड, आपने काफी सारा ठीक बताया, आई होप आपने खुद किया। तो अब सबका आज का होमवर्क क्या है, कि आपने अपनी साइंस की बुक निकालनी है, आई ऑल्सो हैव योर बुक, आई विल सी दैट, सी हाउ मेनी पेजेस, उसका कवर छोड़ देना है, हाउ मेनी पेजेस आर देयर एंड वट इज द थिकनेस ऑफ 1 पेज, राइट, एंड ऑल ऑफ यू विल टेल मी टुमोरो, ओके ठीक है, विल यू डू इट, बोलते नहीं हो, यस और यही, अगर आपके पास 2-3 मिनट है अभी ना क्लास चेंज होने में, साइंस की बुक होगी, निकालो और कैलकुलेट करो, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ऑल द पेजेस, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1 पेज, करो स्केल निकालो, करो जरा, ठीक है, ये देखो कि आज हमने क्लासरूम में ही क्लास वर्क कर लेना है, होमवर्क जो आपको दिया है, डू इट क्विकली, ठीक है, मैं ऑफ कर रही हूँ एंड लेट मी सी कि कितने बच्चे करते, ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, बाय 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 मैम।